जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी हिंदी के द्वारा समान हिंदी की एक सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज हमारी चौथी क्लास है और हम लोग यहाँ पर जो अर्धशासकीय पत्र होता है, ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यह क्या होता है, इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसकी जो शैली होती है वो कैसी होती है, ठीक है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्धशासकीय पत्र और शासकीय पत्र, हमने पिछली क्लास में शासकीय पत्र के बारे में देखा था। शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र दोनों पर प्रीवियस ईयर में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। इसके साथ ही साथ दोनों की डेफिनेशन पूछा है, विशेषताएं पूछा है और शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में क्या अंतर होता है, इस पर भी कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को सिलेबस के पॉइंट के तौर पर जो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को समझाया था कि लेटर में जैसे शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है, कार्यालय आदेश, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं इनकी डिफिनीशन, इनमें डिफरेंसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका एक एक प्रारूप, एक एक स्ट्रक्चर आप लोगों को स्वयं एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक्स की वो यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारा अर्धशासकीय पत्र का जो टॉपिक है उसको मैं आपको बताने से पहले प्रयास समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए, अर्धशासकीय पत्र आलेखन का, पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है लगभग, ठीक है, जिसमें देखिए एक बात समझिएगा, एक शासकीय पत्र होता है जो कि किसी पद के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। कोई पोस्ट है, कोई पोस्ट पर बैठे अधिकारी, जो बैठा अधिकारी होता है तो अपनी पोस्ट की गरिमा, पोस्ट के अधिकार के तौर पर जो पत्र लिखता है उसको हम लोग कहते हैं शासकीय पत्र, ठीक है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इच्छा से, अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार कोई पत्र लिखता है, ठीक है, किसी दूसरे अधिकारी को, दूसरे विभाग को, तो उसको हम लोग अर्धशासकीय पत्र के तौर पर जानते हैं, ठीक है। ये लगभग व्यक्तिगत स्तर पर किन्हीं दो अधिकारियों, किन्हीं दो विभागों के मध्य विचार विमर्श हेतु लिखा गया एक पत्र होता है, ठीक है। ये एक अनौपचारिक पत्र के तौर पर होता है। सामान्यतः इसकी जो जानकारी होती है, जो विषय होती है, वो सूचनाएं, आदेश, निर्देश जो होते हैं, जो विषय होते हैं, वो थोड़ा सीमित होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पब्लिक नहीं कर सकते, इस उद्देश्य ऐसे पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मैं आपको आगे समझाऊं दोस्तों, तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि अर्धशासकीय पत्र भी सरकारी कामकाज के संबंध में ही लिखा जाता है, जैसा कि शासकीय पत्र होते हैं, पर यह शासकीय पत्र के समान उतना औपचारिक नहीं होता। एक बात समझिएगा दोस्तों, पत्र औपचारिक नहीं होता, लेकिन इसका जो प्रारूप होता है वो औपचारिक होता है, ठीक है। प्रारूप एक फिक्स है, आपको उसी प्रारूप में लिखना है। अनौपचारिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो मन में आया वो आपने इस पत्र में लिख दिया, ठीक है। पत्र का प्रारूप औपचारिक होता है, लेकिन जो पत्र का स्तर होता है, ठीक है, वो औपचारिक नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है कि शासक के दो विभिन्न विभागों के अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में परस्पर जानकारी प्राप्त करने, सूचना देने, स्पष्टीकरण देने, मांगने अथवा कार्य को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य अर्धशासकीय पत्र का सहारा लेते हैं, ठीक है। लगभग नौकरशाही में जो विलंब का जो मुद्दा होता है ना, कि पत्र लिखा गया, वो पत्र लेट हो रहा है, फिर पत्र का रिप्लाई आ रहा है, उस समस्या को समाप्त करने के लिए अर्धशासकीय पत्र एक बहुत ही अच्छा सहारा बन सकता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एक प्रकार का व्यक्तिगत पत्र होता है जो कि लगभग मौखिक जो वार्तालाप होती है कि दो विभागों के बीच में, उसका स्थानापन होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्धशासकीय पत्र के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसके कुछ विशेषताओं को आपको बताऊं, तो जनरली ये जो पत्र होता है, ठीक है, यहां पर दिया होगा, देखिए स्कैन यहां पर दिया नहीं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये जो होता है, प्राय एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है, जबकि शासकीय पत्र किसी दो पोस्ट के बीच में वार्तालाप के उद्देश्य लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये द्विआयामी होता है, हमने चर्चा किया था, जो शासकीय पत्र होता है वह भी द्विआयामी होता है, अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ के बीच में भी ट्रांसफर हो सकता है। पहली बात, इसकी जो विषय वस्तु होती है वो कुछ हद तक गोपनीय होती है, जिसमें कि विचार विमर्श, ठीक है, वार्ता प्रक्रिया या फिर ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य अर्धशासकीय पत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसकी जो भाषा होती है अर्धशासकीय पत्र की, वो सदैव मैत्री और आत्मीय भाव से भरी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब शासकीय पत्र हम लोग लिखते हैं तो आप प्रिय, प्रिया ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में हमको इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक प्रकार का अनौपचारिक पत्र होता है, व्यक्तिगत पत्र होता है, तो यहां पर हमको जो मैत्री भाव है, जो आत्मीय भाव है, उसको प्रदर्शित करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
अच्छा, और यहाँ पर जैसे कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, कि अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, सादर, ससम्मान, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आत्मीय भाव को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। ठीक, दूसरी बात, हमने पढ़ा था कि शासकीय पत्र जो होता है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, लेकिन अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, एक वचन व उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। ठीक, अच्छा, पत्र के प्रारंभ में जब प्रेषिति का नाम लिखना होता है, जब जैसे कि मान मैं पत्र को भेज रहा हूं, तो मैं पहले लिखूंगा जिसको भेजा जा रहा है, मतलब कि प्रिय श्री महोदय। हमने पिछली क्लास में देखा था कि शासकीय पत्र में सिर्फ महोदय शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर हम लोग प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, यही होता है अंतर शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के मध्य में। अच्छा, कई बार एग्जैक्टली यह प्रश्न पूछता है कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के मध्य में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एक डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा शासकीय अर्धशासकीय पत्र के मध्य में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, ये यूपीपीसीएस में 2004, 2006, 2011 तीन वर्ष में आ चुका है, और अर्धशासकीय पत्र पर जो प्रश्न है दोस्तों वो 2008 और 2010 में पूछ चुका है। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सामान्य अर्थों में आप लोगों को ये चीजें समझा सकूं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूं पहले, फिर हम लोग डिफरेंस को देखने का प्रयास करेंगे। ये इसका देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अर्धशासकीय पत्र संख्या 168 लिखा जाता है। ठीक है, शासकीय पत्र में जो संख्या होती है, पत्रांक जो होता है, वो यहां पर हम लोग लिखते हैं, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब ये भेजने वाले का नाम है, जैसे कि मैं अगर भेज रहा हूं तो मैं यहां पर अपना नाम लिखूंगा, अपना जो पोस्ट है या फिर शैक्षणिक योग्यता है उसको यहां पर लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद जिस कार्यालय से आप बिलोंग करते हैं उसको जस्ट दाएं कॉर्नर पर कार्यालय जिला अधिकारी इलाहाबाद दिनांक 5 दिसंबर 2020। ठीक है, विषय नकली नोटों का चलन। अब ये विषय लिखना आप लोगों को जरूरी होता है, हालांकि अर्धशासकीय पत्र में कभी कभी विषय को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, यहां पर प्री शब्द का प्रयोग किया गया कि प्रिय तिवारी जी, लेकिन इससे पहले हम लोग महोदय शब्द का प्रयोग करते थे, यहां पर हमने उसको आत्मीय भाव देने के लिए प्री शब्द का प्रयोग किया हुआ है। आपने अपने मुद्दा लिखा, ठीक है, और मुद्दा में आप देखिए कुछ कुछ ऐसे टर्म्स का प्रयोग हुआ होगा जो कि आत्मीयता के भाव को दिखा रहा होगा, जैसे कि अब देखिए, हम प्रायः वार्ता करते रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप लिखा हुआ है कि इस संबंध में मैं आपसे फिर परामर्श करूंगा, तो ये आत्मीयता की भाव दिख रही है यहां पर, ना तो क्रोध दिख रहा है, ना तो कोई डांट डपट की भावना दिख रही है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और लास्ट में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है उसका नाम, उसका पद, वो किस कार्यालय से है, और यहां पर आपका सद्भावी लिखते हैं, लेकिन शासकीय पत्र में यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, भवदीय। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही शासकीय और अर्धशासकीय पत्र हम लोग को यहां पर लिखना है। ठीक है, आप सभी जिनको प्रैक्टिस करनी होगी समान हिंदी की, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 2 समान हिंदी का टेस्ट है, 3 ऐसे का टेस्ट है, तो वहां पर आप लोग इनको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम है। ठीक है, 2000 रुपये में आपको 5 टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से 3 एस्से का टेस्ट है, हर एस्से में आपको 3 एस्से लिखने होते हैं, तो करीब 9 एस्से यहाँ पर हो रहे हैं। मॉडल सबके लगभग लगभग फॉर्मेटिंग दी जाती है, और समान हिंदी के जो टेस्ट होते हैं उनका भी पूरा स्ट्रक्चर करके कॉपी चेक होकर आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ज्वाइन करना चाहें। बाकी आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं दोनों के डिफरेंसों को आपको बताने का प्रयास करूँ, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर तो समानता ऐसे करके डिफरेंस लिख दे, लेकिन आप लोग एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि आप बनाइए क्या यहाँ पर कि भेद। ठीक है, किस स्तर पर आप दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिखे शासकीय पत्र, यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र, और फिर इसको आप लोग स्ट्रक्चरिंग करके एक फॉर्मेट में इन दोनों का मध्य अंतर बता सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार कहूंगा इन दोनों के मध्य अंतर जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही अगली क्लास में हम देखेंगे कार्यालय आदेश क्या होता है और उसकी जो विशेषताएं होती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा, आप देखिए लिखा है कि शासकीय पत्र जो होता है वो पूर्णता औपचारिक होता है, और यहां पर लिखा हुआ है अर्धशासकीय पत्र में कि अंशतः औपचारिक या फिर अनौपचारिक हम इसको यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, शासकीय पत्र में व्यक्तिगत बातों का कोई उल्लेख नहीं होता है, जबकि जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं वो 2 सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार, सम्मति, जानकारी या सूचना के आदान प्रदान के उद्देश्य, व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण और शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा के साथ लिखा जाने वाला एक अनौपचारिक परंतु सरकारी पत्र अर्धशासकीय पत्र
कहलाता है, ठीक है। तो ये भी डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं, डिफिनेशन बेहद शानदार दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और डिफिनेशन जो पहले मैंने आपको बताई थी वो भी हमें बहुत अच्छी डिफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस, शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के मध्य में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अच्छा, आगे देखिए, लिखा कि सामान्य कार्यालय औपचारिकताओं के साथ लिखा एवं प्रेषित किया जाता है जो शासकीय पत्र होता है, लेकिन जो अर्धशासकीय पत्र होता है दोस्तों वो सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना, ध्यान रखिएगा, सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना लिखा जाता है और दो अधिकारियों के मध्य ये आपस में विचार विनिमय हेतु प्रयोग किया जाता है। यही कारण कि अर्धशासकीय पत्र जो होता है वो विलंब को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है कि व्यक्तिगत संबोधन के स्थान पर यहां पर औपचारिक संबोधन होता है, जैसे कि महोदय या महोदया, ठीक है। हम लोग जब अर्धशासकीय पत्र लिखते तो यहां पर हमने प्री या प्रिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर जो प्रेषित के नाम का उल्लेख सामान्यतः आदर पूर्वक न करके पद नाम का उल्लेख होता है, ठीक है, जैसे कि श्री जिलाधिकारी महोदय, ठीक है, महोदय जिलाधिकारी, ठीक है। ध्यान रखना, शासकीय पत्र में हम लोग व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, हम लोग पद का नाम लिखते हैं। और मैंने यही आपको बताया था कि जो शासकीय पत्र होते हैं वो दो पदों के बीच में लिखे जाते, दो पोस्ट के बीच में लिखे जाते, न कि व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। जबकि जो अर्धशासकीय पत्र होता है दोस्तों, यहां पर प्रेषित के नाम का उल्लेख संबोधन के साथ किया जाता, जैसे कि श्री तिवारी जी, ठीक है, श्री तिवारी जी अगर मैं लिखता हूं तो वो हमारा अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप हो गया, फिर प्री तिवारी जी, ठीक है। अब देखिए, प्रेषित का नाम नीचे बाएं किनारे पर, प्रेषक के पदनाम के नीचे बाएं ओर, ठीक है। नाम हमने देखा था, मैंने अभी आपको प्रारूप बताया था, मैं अभी फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यह मैं देख रहा हूं बस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पर प्रेषक के पदनाम का उल्लेख हस्ताक्षर के नीचे किया जाता है, पदनाम यहां पर बताया जाता है, क्योंकि मैंने बताया पद की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शासकीय पत्र में, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में पदनाम अंकित करना आवश्यक नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक बार आप प्रारूप को फिर से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, यहां पर प्रारूप क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले पत्र संख्या, ठीक है, यहां पर लिखी हुई है अर्धशासकीय पत्र में। अच्छा, पत्र संख्या अगर आपको न समझ में तो क ख ग प्रयोग करिएगा, नाम अगर न दिया हो तो क ख ग प्रयोग करिएगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। नाम का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं करना है अपना, किसी के भी नाम का उल्लेख, अपना ही नहीं किसी के भी नाम का उल्लेख उसमें नहीं करना जब तक कि प्रश्न में न दिया गया हो, ठीक है। अच्छा, प्रिय तिवारी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, आपको अपनी जो लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा संक्षिप्त रखना है, संक्षिप्त और सार गर्भित, इस पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ भाषा का जो व्याकरण है, वाक्य विन्यास है, वर्तनी विचार है, इन सब पर थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम में आपका सद्भावी आलोक टंडन, ठीक है, और यहां पर जिसको आप लिख रहे हैं वो नाम यहां पर लिखेंगे प्रमोद कुमार तिवारी, आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है इन दोनों में। अच्छा, अब एक प्रश्न और है जो कि मुझे लगता है कि कहीं पूछा नहीं गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में, लेकिन वो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के मध्य में समानता क्या क्या होती है, अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं समानता थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं आप लोगों को, तो दोनों की कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की जो विषय वस्तु होती है वो सदैव शासकीय प्रयोजनार्थ होती है, ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी को अपने घर के पार्टी में बुलाना है तो मैं उसको अर्धशासकीय पत्र लिखूंगा, ठीक है, ये ध्यान देना कि व्यक्तिगत होते हुए भी इतना व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है शासकीय प्रयोजनार्थ। दूसरा, दोनों के माध्यम से निर्णय को लेने और क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया होती है वो सरल, सुगम व तीव्र होती है, अर्थात शासकीय और अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, तो विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका होता है, निर्णय लेने का एक तरीका होता है, ठीक है, और उनका सरल और सुगम तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए कि दोनों पत्रों का, शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों का अभिलेखीय महत्व है, अर्थात इसको अभिलेख के तौर पर फिर से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। दोनों का जो प्रकाशन होता है दोस्तों वो सरकारी गजट में करना अनिवार्य होता है। दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथ्य अथवा सूचनाओं का सदैव अभाव होता है। फिर से मैं वही बताया आप लोगों को कि आपको अपने व्यक्तिगत तथ्य नहीं लिखने, ठीक है, आपको ये नहीं बताना कि मेरे घर में पार्टी है, फिर मैं यहां गया हूं, मैं ये सब चीजें नहीं लिखनी, ठीक है। आपको शासकीय प्रयोजनार्थ लिखना है, थोड़ा सा अनौपचारिक आप अर्धशासकीय पत्र में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पत्रों से शासन की जो कार्यकुशलता होती है, जो पारदर्शिता होती है, जो जवाबदेहिता होती है, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। ये सब चीजें इसकी समानताओं में आता है, असमानताएं मैंने यहां पर अभी आपको बताया। तो ये हमारा अर्धशासकीय पत्र का पूरा एक टॉपिक है, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। एक काम आप लोग कर सकते हैं इसके साथ ही साथ, वो कर ये सकते हैं कि आप लोग तुरंत किसी प्रीवियस ईयर से अर्धशासकीय पत्र का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए
और डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते रहते हैं वहां पर लगातार कि आप लोग कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर भी वही सब चीज आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पत्र का प्रारूप मैंने आप लोग को बता दिया है, शासकीय पत्र मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग कार्यालय आदेश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे क्लासों में हम लोग पूरे इस सिलेबस को पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।